मोदी ने महाराष्ट्र की अपनी पहली रैली में कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के सिंदवेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली में कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते। इस महीने 17वीं बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी 40 चौकियों और आसपास के 25 इलाकों पर मोर्टार दागे तथा गोलीबारी की, जिससे 9 लोग घायल हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि उनकी पार्टी पर शिवसेना का हमला दर्शाता है कि दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी 15 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई हार चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर अप्रवासी भारतीयों से किया वादा पूरा कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर पीआईओ को हमेशा के लिए वैध कर दिया है। इससे उन्हें अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, चाहे उनकी यात्रा 180 दिनों से ज्यादा की ही क्यों न हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को केरल में कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ बंद करने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए एक दिन बाद ही कांग्रेस के एक दैनिक ने उन पर हमला बोलते हुए संगठन के प्रति उनकी वफादारी पर संदेह जताया है। प्रधानमंत्री मोदी के पास 1,26,00,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली सबसे धनी मंत्री हैं। उनके पास 72 करोड़ के आसपास की कुल संपत्ति है। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने दिन शुरू होते ही कई उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की थी, जिसका लाभ उठाने के लिए वेबसाइट पर ग्राहक ऐसे उमड़े कि दिन भर में कई बार वेबसाइट क्रैश हो गया। इस दौरान वेबसाइट को 1 अरब हिट्स मिले, जबकि 615 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री भी हुई। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल टीम खरीदने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 12 अक्टूबर से शुरू हो रही लीग में चेन्नई एफसी टीम खरीदी है। धोनी ने बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई एफसी के लिए करार किया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बकरीद के मौके पर अपने तीसरे बच्चे अबराम की फोटो सार्वजनिक की। शाहरुख ने अबराम की फोटो ट्विटर पर पोस्ट की, जिसके बाद ये तस्वीर वायरल हो गई। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।